सो फाइनली अब हम निकल रहे हैं। अभी घंटे कितने क्यूट लग रहे हैं ड्राइवर अंकल हैं। ये होता है यहाँ का देखो, पापा खतरनाक जगह पे जा रहे हैं साधा सरगम। और आपका क्या नाम है? देखो जिनको कुत्तों से प्यार कैसा लगता है। सो आई एम रेडी। आज हमने फिर से ट्रैवल करना है ऑलमोस्ट पूरा दिन, तो मैंने उसी अकॉर्डिंग सिंपल सी टी शर्ट और जीन्स पहन ली है। एंड अभी तो था प्लान डलहौजी जाने का, तो 7:15 हो चुके हैं, 7:18। यहाँ पे तो मौसम ठीक लग रहा है, पानी भी अभी कल से कम है यहाँ पे, और पता नहीं बहुत जगह लैंडस्लाइड हो रही है। जहाँ से कल हम आए थे कांगड़ा से आए थे, और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से आए थे, एंड पीछे हम होके आए थे ज्वालाजी होके आए थे। तो कांगड़ा में तो सब मतलब बारिश की वजह से ना सब कुछ वो कर दिया उन्होंने, कॉलेज स्कूल बंद कर दिए हैं, एंड बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हो रही है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। अब पता नहीं हम जाएंगे, हमारी ट्रिप मतलब यहीं पे खत्म हो जाएगी, यहाँ से घर जाना है हमें। साला ये दुख का खत्म होता बे। ओके, आई स्पॉटेड अंकल आंटी क्लिकिंग पिक्चर्स टुगेदर। अभी दोनों साथ में कर रहे थे, बट इनको देख के वो वाला गाना याद आ रहा है, दिल होना चाहिए जवान उम्र अज की रखिया। अभी अंकल फोटो क्लिक कर रहे हैं, और आंटी कहती अकेले अकेले कैसे, मुझे भी साथ आना है, मुझे भी लो। नहीं। सो क्यूट यार। सो फाइनली अब हम निकल रहे हैं। अभी तो हम सोच ही रहे हैं डलहौजी का, क्योंकि पापा ने फ़ोन करके किससे पता करवाया, वो तो बोल रहे हैं कि सेफ है जाना, पर अभी देखते हैं। जय माता दी बोल के निकलते हैं, फिर देखी जाएगी। अंकल जी रुको एक मिनट, ये हमारे ड्राइवर अंकल हैं। हेलो कर दो, व्लॉग बना रही हूँ मैं। हाँ, मैंने ड्राइवर अंकल से मिला है, ये अंकल है जिनके साथ हम आए हैं। हम निकले तो थे जाने के लिए डलहौजी, बट क्या हुआ कि 2-3 रास्ते मुड़ के, मतलब 2-3 रास्ते खराब, सबने बोला था कि रास्ते हो सकते हैं यहाँ पे लैंडस्लाइड काफ़ी हो रखी है, तो 2-3 रास्ते हम मतलब गए, फिर वापस आना पड़ा। एक में ट्रैफिक बहुत लंबा लगा हुआ था, फिर हमने डलहौजी जाना कैंसिल कर दिया क्योंकि रास्ता ही नहीं मिल रहा जाने को, रास्ते बंद पड़े हैं सारे। देन हम धर्मशाला में से निकल रहे थे, तो धर्मशाला रुके, तो फिर हमने सोचा कि इधर धर्मशाला मैक्लोडगंज आए हुए हैं, बट दोबारा से अभी 2-3 साल पहले आए थे, अभी मैक्लोडगंज जाने का है, तो मूड सारा खराब हो चुका है। तो अभी यहाँ पे हम ब्रेकफास्ट करने रुके हैं, लास्ट टाइम भी हम यहीं पे ब्रेकफास्ट करने रुके थे, एंड इसके सामने एक पार्क भी बना हुआ है। सो ये है वो पार्क, और इट्स अ बायोडाइवर्सिटी पार्क। जिनको नहीं पता नीचे कमेंट करो, मैं बताती हूँ बायोडाइवर्सिटी पार्क क्या होता है। A few inches later. मैक्लोडगंज, और हमने रूम ले लिया है, और सिंपल से रूम लिए हैं हमने, बिकॉज हम यहाँ पे सिर्फ रेडियो के बाहर जा रहे हैं, और रात को आके सोना ही है यहाँ पे, और कपड़े डिसाइड कर रहे हैं हम क्या पहनने हैं। हाँ, ये कर लो पहले। माय लुक, द होल लुक। ओह माय गॉड, ये दूसरा रूम है, हमने हम उस रूम में थे मैं और दीदी, और ये हमारे ना ड्राइवर निकल है, ये ना करटिंग मार रहे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। इधर ट्रैफिक, इधर जाना आपा। ना लुक अपडेट कर लिया, आज हमने लगा लिए ग्लासेस क्योंकि हम धूप में निकल रहे हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? दिस इज द मार्केट ऑफ मैक्लोडगंज,
और यहाँ पे रास्ते सारे ऐसे ही हैं, छोटे छोटे छोटे, और अभी हम बक्सू टेम्पल जा रहे हैं, बक्सू बक्सू ऐसे समथिंग बोलते हैं। ये होता है यहाँ का, देखो ये शिवजी टेम्पल है ना, इसमें गए थे ना अपने पिछली बार भी। ये है बक्सू नाग टेम्पल, ये है यहाँ पे, मतलब शिव टेम्पल है, ये नाग टेम्पल है और शिव टेम्पल है ऐसे। चल रहे अंदर ना, जय हो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, आदिदेव शंकरा, हे शिवाय शंकरा, तेरे जाप के बिना, भोलेनाथ शंकरा, चले ये सांस किस तरह, हे शिवाय। हेलो, हेलो, उठा लो, उठा सारा हर लिया था मस मेरा। मैं गया था नागडाल को, इसकी जो पानी आता है वहाँ, इसलिए मैं थोड़ा बच्ची मिल हो गया। जैकी जैकी और इनको भूखा रखी गया था, ये नहीं आज लेके इसलिए जा रहा हूँ, ये मैंने रखा है इनको, मैं रहता हूँ। अच्छा। भूखा में तो इसकी छड़ी लेके जाता हूँ, ये पानी जहाँ से आता है मंदिर का वहाँ गया था, 23 किलोमीटर ऊपर गया था। अच्छा, कल ही वापस आया मैंने। खाते तो नहीं है? नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे, खाना वास्ते नहीं रखा है इनको सिर्फ। जैकी जैकी, इनके भी नाम रखे हुए हैं क्या? हाँ, इसका नाम बिशी है, बिशी, और उसका उसका कालू है, इसका बेटी है वो। ये है बक्सू नाग, ये यहाँ पे ऐसे सब नहाते रहते हैं, स्विमिंग पूल बना रखे हैं, यहाँ पे ऐसे चलता रहता है, धूप है वरना यहाँ पे फोटोज भी बड़ी अच्छी आती हैं, धूप हो रखी है वरना यहाँ पे। क्या नाम है आपका? सरगम। सरगम, और आपका क्या नाम है? सरगुन। सरगुन, सरगम और सरगुन। अभी बेटी हाथ लगाओ, कुछ नहीं बोलेगा, मजाक नहीं किया मैंने आपसे, ना नहीं बोलेगा, ये तो छोटा है, बच्चा है, ये 10 महीने का है। अच्छा, 10 महीने का ही है? ये 10 महीने का है, बाकी वो 4.5 साल होगा ना, सिर्फ 10 महीने का है। उसको पता नहीं, चेक ही, हेलो, पता नहीं, देखो देखो, जिनको कुत्तों से प्यार होता है ना, मतलब जिन्होंने रखे होते हैं ना, उनको ही पता होता है कुत्ते क्या हैं। जैकी, हेलो, हेलो जैकी, ओए, हेलो करता है, हेलो, हाँ, ये करता है, ये करता है, ये करता है, ये करता है। खाना नहीं है बाबू, खाना नहीं है? नहीं खाना, मैं लिया मामा, सब नहीं 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 हाथ पर परेशानी है, नहीं आए थे पिछली बार, अपने नहीं आए थे, टाइम भी नहीं था ना हमारे पास इतना पिछली बार, यहाँ से। हाँ, मैं ना भूल गई इनको क्या बोलते हैं, सही में इनको ना याद था। तो रास्ता बहुत लंबा जाता है ना वाटरफॉल से, पापा जी, बारिश का मौसम हो रहा है, खतरा है नीचे जाने के लिए, फोटो बड़ी बना मैं लगाऊंगा अपने उसके, फोटो खिंचा वाटरफॉल से गए, देखो पापा खतरनाक जगह ते जा रहे हैं, सानू भी लेके, सानू डर लग रहा है, पापा नु नहीं लग रहा यार, क्या करे बूढ़ा नहीं हूं, कोई बूढ़ा नहीं है अभी, आर यू कॉमेडी मी, कितनी बार हो
आराम नाल पापा जी ध्यान नाल। हाँ जी हाँ जी मैं देख के तुसी थोड़ा ध्यान नाल जायो। कितों खिंचनी है इतों खिंचदा जिते खड़े हो इतने भी लोकेशन बहुत सही आ रही है पिछे इतने लोकेशन है वो भी नहीं सही आ रही पिछे। Haan, 2000 years later. Thinking about shopping. हाँ रंग देखना है मुझे कौन सा अच्छा लगेगा पहन के थोड़ा सा देखो सही कैसा लग रहा है जो मर्जी रहो जो चंगा लगे फिर ना तुसी इदा करो पापा ने क्या आई कट लग रहा है 80 सोना लगूगा मैं कैपिटल कलर भी लवा पापा लेंदे पे पठानी पठानी हुंदी है ना हिमाचली हिमाचली कैप ऐसे पे आती नहीं वैसे ही पड़ा है। थोड़ी सी शॉपिंग एक दो चीजें ली है और मम्मा मेरा पर्स पकड़ा दो कोई ना दिखायो मेनू भी दो मिनट ब्लू थोड़ी सी बड़ी पर बड़ी होती है A few moments later. पास्ता तो अभी तक नहीं आया अरे पापा ने राइस मंगवाए थे इतनी देर वेट करने के बाद नॉट बैड बट बहुत अच्छा भी नहीं आया। अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? इतना सही हो रखा है बारिश हुई है अभी अभी काफी सारी और इतने में हमारा खाना पीना हो गया। अभी हम बैक टू रूम्स चेंज करने के लिए क्योंकि हमें एक और जगह जाना है। इतना अंधेरा क्यों है भाई?